हेलो गाइस, मैं समीर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इनसाइट्स एजुकेशन हब पर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम क्लासेस के सीक्वेंस में करेंगे, बीच में क्लास ब्रेक हुई है उसके लिए सॉरी गाइस। तो मैंने आपको बताया था हम एक सीक्वेंस में क्लासेस करेंगे, तो पार्ट वन मैंने आपको बताया डायमेंशन का, पार्ट टू बताया, उसके बाद एक करंट की क्लास आई, आज हम पार्ट थ्री की बात करेंगे। पर गाइस, उससे पहले आप लोगों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करा करो। जितने ज्यादा व्यूज मुझे मिलेंगे गाइस, उतना ज्यादा मुझे एक्साइटमेंट मिलेगी और मैं उतनी ज्यादा एनर्जी के साथ आपको पढ़ा पाऊंगा और उतना ज्यादा मैं खुश भी होऊंगा। तो गाइस देखो, आप लोगों के लिए ही मैं ये सब कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज मैं आप लोगों से इतनी तो उम्मीद कर सकता हूँ कि आप ऐसा जरूर करेंगे, ठीक है। तो चलिए गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है डायमेंशन, थर्ड जो डायमेंशन की क्लास है उसके अंदर जो थर्ड टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको कहां तक वर्क तक क्या बता दिया था, वर्क या एनर्जी की आपको क्या बता दी थी, कार्य और ऊर्जा की, कार्य और ऊर्जा की आपको क्या बता दी थी, मैंने डायमेंशन बता दी थी क्या रहेंगी, कार्य और ऊर्जा की डायमेंशन क्या रहेंगी, ये मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बता दिया था। तो चलो इस क्लास के अंदर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा कार्य और ऊर्जा से क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे और कुछ और मात्राएं हैं जिनकी हम क्या करेंगे यहाँ पर डायमेंशन जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं जिनकी डायमेंशन हमें जाननी होगी, कुछ मानक हैं, कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं, सम कॉन्स्टेंट्स हैं, मानक हैं। तो पहला जो कॉन्स्टेंट है उसका नाम लेते हैं कूलम्ब्स कॉन्स्टेंट। क्या होता है गाइज, कूलम्ब्स कॉन्स्टेंट। कूलम्ब्स का जो कॉन्स्टेंट है, कूलम्ब का जो मानक है उसके बारे में जानेंगे कि उसकी डायमेंशन क्या होती है। तो कॉन्स्टेंट्स के बारे में एक एक करके जानेंगे। तो कूलम्ब्स कांस्टेंट को किससे प्रदर्शित किया गया था भाई, के से प्रदर्शित किया गया था। कूलम्ब्स कांस्टेंट को किससे प्रदर्शित किया गया था, के से प्रदर्शित किया गया था। तो कूलम्ब्स कांस्टेंट की जो डायमेंशन होगी वो हम यहाँ पर देखेंगे, या फिर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, ठीक है। तो कूलम्ब्स कांस्टेंट देखें एक बार। तो गाइस कूलम्ब के सिद्धांत के अनुसार एफ किसके बराबर होता है, के क्यू1 क्यू2 बटे आर का वर्ग। जो फोर्स है, जो बल है, एफ यहाँ पर किसको प्रदर्शित कर रहा है, फोर्स को बता रहा है, बल को बता रहा है, ठीक है। के यहाँ पर क्या है, कूलम्ब का कांस्टेंट है। Q1 क्या है, पहला चार्ज है। Q2 क्या है, दूसरा चार्ज है। और R क्या है, उनके बीच की रेडियस है। एग्जांपल दो, तो ये पहला चार्ज हुआ Q1 और ये दूसरा चार्ज हुआ Q2। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी है, उसे हमने क्या ले लिया, आर ले लिया, ठीक है। तो इनके बीच में लगने वाला जो बल है वो आगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो इन दोनों के बीच में जो लगने वाला बल है वो हमने क्या किया, किस सूत्र से निकालेंगे, F is equal to K Q1 Q2 बटे R square से निकालेंगे। तो गाइस F जो होती है फोर्स, उसके डायमेंशन हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ी थी, MLT-2 होती है। K की हमें निकालनी है। अब चार्ज की सीधी सीधी कोई डायमेंशन नहीं होती, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था 7 इकाइयां होती है और 7 ही तरह की आप क्या देखेंगे, डायमेंशन देखेंगे। ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि 7 क्वांटिटीज होती हैं और उनकी 7 ही क्या होती हैं, डायमेंशन होती हैं। तो चार्ज को हम क्या लिख सकते हैं, चार्ज होता है भाई आई टी होता है करंट इंटू टाइम, विद्युत गुणा में समय, ये आपका क्या रहता है भाई, चार्ज रहता है। तो करंट की जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी, ए होगी, और समय की क्या होगी, टी होगी। तो चार्ज के डायमेंशन क्या बनी, एटी। चार्ज के डायमेंशन क्या बनी, एटी बनी। क्या था, चार्ज बराबर है करंट गुना टाइम, विद्युत गुना में समय। विद्युत जो होती है करंट, उसके डायमेंशन क्या रहेगी, ए रहेगी, और समय की डायमेंशन क्या रहेगी, टी रहेगी। तो यहां पर क्या लिख लेते हैं, एटी लिख लेते हैं। यहां पर दूसरी भी क्या लिखेंगे, एटी लिखेंगे, बटे में आर का वर्ग। आर क्या है, त्रिज्या है, तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगी। इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल स्क्वायर हो जाएगी। इसी इस तरफ आके मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, MLT-2। ये नीचे गुण यहाँ पर भाग में है, तो इस तरफ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो एल स्क्वायर हो जाएगा। एटी को क्या लिख सकते हैं, एटी का वर्ग गुणा में टी का वर्ग, ए वर्ग गुणा में टी का वर्ग। क्यों, क्योंकि दोनों का आधार बराबर है, और जब गुणा में हो तो पावर जो होती है, जो घात होती है, वो क्या कर जाती है, जुड़ जाती है। तो हमने दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो यहां से सूत्र बना MLT-2। इसको ऊपर लेके आएंगे A-2 T-2, इसको ऊपर लेके गए तो A-2 और T-2। यहां से हमने कैलकुलेट किया MLT-2
और t माइनस से 4, एम एल क्यूब ए माइनस टू और टी माइनस फोर, ये आपका क्या रहेगा कॉन्स्टेंट की, किस कॉन्स्टेंट की, कूलम्स के कॉन्स्टेंट की, कूलम्स के कॉन्स्टेंट की जो डायमेंशन रहेगी वो क्या रहेगी, एम एल क्यूब ए माइनस टू और टी माइनस फोर। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है कि इसका सूत्र क्या बनेगा, ठीक है गाइस। यहां तक आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आई कैसे और इसकी डायमेंशन क्या होती है, ये आपको याद रखनी होगी। जैसे जैसे बाकी सारी क्वांटिटीज करेंगे हम उनकी भी डायमेंशन निकालना सीखेंगे, क्लियर। काफी सारे बच्चे मुझे कमेंट करते हैं, कई बार मुझे पर्सनली मैसेज भी करते हैं, सर फिजिक्स से बहुत डर लगता है। तो यार फिजिक्स से क्यों डरते हो, इतना डर तो यार कुछ इंसानों को माँ से भी नहीं लगता। माँ से तो बच्चे कहते हैं कि माँ मार देती है या फिर फैमिली वाले मार देते हैं, ऐसा तो नहीं सुना। बट इतना डर जितना फिजिक्स से डर रहे हो, नेट वाले और जो नर्सिंग वाले बच्चे हैं उन्हें तो खासकर डर लगता है, किससे, फिजिक्स से, वाओ फिजिक्स। तो कोई नहीं, इसके ऊपर एक सेशन जरूर दूंगा कि फिजिक्स से क्यों ना डरे और फिजिक्स इजी कैसे बनाए, ठीक है। जल्दी आप प्लीज कमेंट में मुझे या पर्सनली मैसेज कर सकते हैं कि कितने बच्चों को इस सेशन की रिक्वायरमेंट है, जितनों की ये रिक्वायरमेंट है कि साइंस से क्यों ना डरे, साइंस को कैसे पढ़े ताकि वो इजी लगे, प्लीज कमेंट जरूर करना और पर्सनली भी मैसेज करना ताकि मैं उसके ऊपर फिर जल्दी से एक सेशन अरेंज कर पाऊंगा आप सभी के लिए। तो गाइस अगला हमारा जो कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशन कांस्टेंट के बारे में हम बात करते हैं गाइस, ग्रेविटेशन शब्द गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, अरे जिसके बारे में न्यूटन चाचा ने बताया था, न्यूटन जो हमारे थे आइज़ैक न्यूटन, उन्होंने बताया था किसके बारे में, गुरुत्वाकर्षण के बारे में, जिसके बारे में हम कहते हैं कि काश उस दिन वो फल गिरने के बजाय वो पेड़ पूरा ही गिर जाता न्यूटन के ऊपर तो शायद कहानी कुछ और होती, ठीक है। हमें इतनी फिजिक्स ना पढ़नी पड़ती, फिजिक्स वालों को इतनी फिजिक्स नहीं पढ़नी पड़ती, अच्छा होता ना। चलो जो भी है इसको स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशन कांस्टेंट जो होता है गुरुत्वाकर्षण, एफ इजिकल टू जी एम वन एम टू बटे आर स्क्वायर, ये सूत्र बनता है। ये कोई वस्तु है जिसका मास, जिसका द्रव्यमान एम वन है, ये कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान एम टू, ठीक है। ये कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान एम वन है और ये कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान एम टू है। अरे दो अपोजिट पोलैरिटी है, एक पोलैरिटी पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, आप समझ गए होंगे कॉलेज स्टूडेंट काफी अच्छे तरीके से। अब इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे, एक तरफ दूसरे की तरफ झुकेंगे, ठीक है। तो इनके बीच में क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर लगेगा तो इनके बीच की दूरी कितनी है, आर है। इनके बीच की दूरी कितनी है, आर है। ये भाई एक अपोजिट जेंडर है, एक तरह से दो अपोजिट जेंडर है, ठीक है, दो अपोजिट जेंडर है तो उनके बीच में क्या लगेगा, ऑब्वियसली बात है नेचर का रूल है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन होगा। बट इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर है। तो सर न्यूटन ने कहा, अरे लिविंग के अंदर वो कितना लगेगा ये कैलकुलेट करने का कोई मेथड नहीं होता, जो जीवित होते हैं, जो सजीव होते हैं उनके बीच में कितना लगेगा ये कैलकुलेट करने का मेथड नहीं होता। बट नॉन लिविंग के अंदर, नॉन लिविंग और वो भी कौन सा, मैसिव बॉडी, कौन सी, मैसिव बॉडी, जो भारी वस्तुएं होती हैं वो भी नॉन लिविंग। हाँ यार ये अपोजिट जेंडर होंगे उनके बीच में कितना अट्रैक्शन होगा, वो अट्रैक्शन कामयाब होगा भी या नहीं होगा ये किसको पता है, बट नॉन लिविंग के अंदर मैसिव बॉडी के अंदर कितना होगा ये किसने कैलकुलेट करवाया, सर आइज़ैक न्यूटन ने कैलकुलेट करवाया। सूत्र क्या दिया, फॉर्मूला दिया, एफ बराबर है जी एम वन एम टू बटे आर का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जी की डायमेंशन निकालनी है तो फिर से एफ टी क्या होगी, एम एल टी माइनस टू होगी, जी दो का तो एम का क्या, ये और ये दोनों मास हैं तो दोनों की डायमेंशन क्या होगी, एम और एम होगी। आर यहां पर क्या रेडियस है तो इसकी क्या हो जाएगी, एल का वर्ग हो जाएगी। आर यहां पर रेडियस है तो इसकी क्या हो जाएगी, एल का वर्ग हो जाएगी। ये एल इस तरफ आके गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू गुणा में एल का वर्ग बराबर है जी, ये एम गुणा में एम क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर हो जाएगा। इसे उस तरफ लेके जाएंगे तो यहां से जी की कैलकुलेट होगी, इसे आगे कैलकुलेट कर रहे हैं, यहां से जी किसके बराबर आ जाएगा, एल का वर्ग गुणा में एल, एल क्यूब, एम एल क्यूब टी माइनस टू और यहां पे एम स्क्वायर है, यहां पर एम स्क्वायर है जो ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा, -2
माइनस का 2, m माइनस 2, इसे कैलकुलेट किया तो m माइनस 1, l माइनस l 3, t माइनस 2, भाई माइनस का 2 प्लस का 1, दोनों पावर को ऐड करो, माइनस 1 2 प्लस 1 कितना आएगा, माइनस 1 आएगा, तो कितना आ गया m माइनस 1 l क्यूब t माइनस 2। ये आपकी किसकी डायमेंशन आ गई, g की, किसकी, ग्रेविटेशन जो कांस्टेंट है g, उसकी डायमेंशन कितनी आ गई m1 l क्यूब, m माइनस 1 l क्यूब t माइनस 2 आपकी क्या आ जाएगी यहां पर डायमेंशन आ जाएगी। क्लियर है, आई थिंक आई होप यहां तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक किसी को। अब अगला आते हैं गाइस, अगला होता है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट। अगला क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। तो तीसरे की हम बात करते हैं, तीसरा हमारा क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। एक्चुअली प्लैंक्स ने किसके बारे में बताया था, ऊर्जा के बारे में बताया था, एनर्जी के बारे में बताया, ठीक है। जो सूर्य से आने वाली किरणें हैं वो पैकेट के फॉर्म में आती हैं और डिस्क्रीट पैकेट के फॉर्म में आती हैं, और वो जो क्या होती हैं, किसी भी धातु की, किसी भी मेटल सरफेस पर आकर टकराती हैं तो वहां से क्या निकालने में मदद करती हैं, इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने में मदद करती हैं, चार्ज पार्टिकल के बाहर निकलने में मदद करती हैं। ये किसने बताया था, प्लैंक्स ने बताया था। तो प्लैंक्स ने जो फॉर्मूला दिया था वो क्या दिया था, एनर्जी बराबर है एच म्यू। क्या दिया था, जो एनर्जी होती है ऊर्जा, यहां पर क्या है गाइस, एनर्जी है, यहां पर क्या है, ई एनर्जी है, ऊर्जा है, एच यहां पर क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और म्यू यहां पर क्या है, फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है। म्यू यहां पर क्या है, फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है। तो ये फॉर्मूला किसने दिया था, प्लैंक्स ने दिया था, ई बराबर है एच म्यू। ई की हमें डायमेंशन पता है क्या होती है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ई की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू होती है। एच की हमें यहां पर डायमेंशन निकालनी है, म्यू की जो डायमेंशन होगी फ्रीक्वेंसी की वो क्या होगी, टी माइनस वन। क्योंकि जो म्यू होता है, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किसके बराबर होती है, एक बटा टी के बराबर होती है। जो फ्रीक्वेंसी होती है, वेव के पूरे चैप्टर के अंदर हम ये सब कवर करेंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो किसके बराबर होती है, वन बाय टी होती है। तो टी को क्या लिखा, माइनस वन, टी माइनस वन लिख दिया। यहां से कैलकुलेट करने के लिए कितना आएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू बाय में टी माइनस, ये यहां पर गुणा है, यहां पर आगे क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, बराबर है h। और यहां से अगर h के डायमेंशन कैलकुलेट की तो कितना आया, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कैसे आया, टी माइनस वन को ऊपर लेके जाओगे, चलो स्टेप लिख लेते हैं यहां पर h। यहां से पहला स्टेप कौन सा आएगा, h बराबर है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू गुणा में टी, ये टी प्लस का और ये माइनस दो, ये माइनस दो है और ये प्लस है, तो यहां से क्या आ जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, किसके डायमेंशन आ गई, एच की डायमेंशन आ गई प्लैंक्स कांस्टेंट की। तो ये तीन मुख्य जो कांस्टेंट थे, मेन जो कांस्टेंट थे, उनके डायमेंशन आपको पता होना चाहिए, जो मैंने आपको यहां पर बता दी है। तो इन्हें नोट करके रखना, याद करके रखना। अब आगे आते हैं गाइस, मैंने आपसे कुछ, देखो एक तो सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, डायमेंशन से सीधा सीधा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा, एक तरह से रिवीजन चल रहा है, एक तरह से मतलब क्रैश कोर्स के टाइप में हम सिलेबस कर रहे हैं गाइस। तो पूरा सिलेबस तो यहाँ नहीं होने वाला, हम क्रैश कोर्स के फॉर्म में कर रहे हैं, और जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट करेंगे। आगे धीरे धीरे जब न्यूमेरिकल प्रैक्टिस आएगी, जल्दी ही न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के ऊपर भी हम चलेंगे, और जब न्यूमेरिकल सेशन करवाऊंगा तो मैं शॉर्ट ट्रिक से करवाऊंगा, ठीक है। ऐसे ट्रिक बताऊंगा, मैक्सिमम 25 सेकंड या तक क्वेश्चन देखा और थोड़ा सा आपको लिखने का काम करना पड़ेगा। ऐसा संभव नहीं है कि फिजिक्स के अंदर आप पेन ना चलाओ, ठीक है, कोई भगवान तो हो नहीं, या फिर कोई आपके पास शकलक बूम बूम की पेंसिल हो, या फिर जो एवेंजर्स में सुपर हीरो दिखाए जाते हैं, ऐसा कुछ आपके पास हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो हमें थोड़ा बहुत तो सोचना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, आंसर लिखना पड़ेगा, नोटबुक के ऊपर पेन चलाना पड़ेगा। बट इतना कह सकता हूं, जिस क्वेश्चन को अभी आप 2 या 3 मिनट में सोल्व कर पाते हो, उसे आप मैक्सिमम 25 से 30 सेकंड के अंदर उसे सोल्व कर दोगे। कुछ तो ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जिनको देखते ही आप अंदाजा लगा लोगे उत्तर क्या है, सीधा आंसर मार्क, कैलकुलेट भी नहीं करोगे, सीधा आंसर कर दोगे कि ये इसका आंसर आ गया। ऐसे भी ट्रिक है। तो गाइस पहले मैं अभी तक ट्रिक्स बेस्ड पढ़ाना पसंद नहीं करता था, क्योंकि मेरा विश्वास है कि आपको बेसिक ज्यादा पता होना चाहिए। क्या पता, क्योंकि जो ट्रिक होती है वो सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए वैलिड होती है, उस टाइप का क्वेश्चन आया तो ट्रिक अप्लाई हो जाएगी, अगर उस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया, उसे थोड़ा सा घुमा दिया गया, तो वो ट्रिक वहां पर फेल हो जाती है। बट मैं आपको बेसिक प्लस ट्रिक दोनों बताऊंगा, ट्रिक की अलग वीडियो आया करेंगी, जैसे आज कल न्यूमेरिकल करवाया है तो उसके साथ साथ ट्रिक की वीडियो भी लेके आया करूंगा,
उसी दिन एक छोटी सी वीडियो आपको उसी न्यूमेरिकल की ट्रिक की अलग से दी जाएगी। तो चलिए गाइस हम अगले पोर्शन पे आते हैं, हम पढ़ेंगे अब। इसके अलावा हमें देखना होता है कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं, कुछ क्वांटिटीज के बारे में आप ध्यान रखेंगे, कुछ मात्राएं, कुछ क्वांटिटीज, कुछ मात्राएं, जिनकी डायमेंशन क्या हो, जिनका आयाम क्या हो डायमेंशन इक्वल हो, जिनका डायमेंशन क्या हो इक्वल हो, जिनका आयाम बराबर, ये आपको ध्यान रखना है, जिनका आयाम क्या होगा इसे बराबर हो, ऐसी कुछ डायमेंशन के बारे में आप बात करेंगे। तो पहला याद रखना वर्क, टॉर्क और एनर्जी, तीनों के डायमेंशन क्या रहती हैं, बराबर रहती हैं। वर्क, टॉर्क और एनर्जी के डायमेंशन क्या रहती हैं गाइस, बराबर रहती हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंपल्स और मोमेंटम, इंपल्स और मोमेंटम, इंपल्स और मोमेंटम की भी जो डायमेंशन है वो क्या रहती है, बराबर रहती है, ठीक है। वर्क कार्य, टॉर्क एक तरह का बल होता है, एनर्जी ऊर्जा, मोमेंटम संवेग, ठीक है। तो इनकी डायमेंशन भी क्या रहती है, बराबर रहती है। ये जोड़ा आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जोड़ा आपको याद होना चाहिए, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, इन सबकी डायमेंशन क्या रहती है, बराबर रहती है, क्लियर। तो ये आपको मुख्य रूप से याद रखना होगा, आपको इससे ज्यादा नहीं पूछने वाले, बाकी कैलकुलेशन आपको करनी होगी, और बहुत सारे जोड़े होते हैं, ठीक है, वो आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। आपको वहां पर क्या करते चलिए, कैलकुलेट करते चलिए, क्या करते चलिए, कैलकुलेट करते चलिए। पर फिलहाल मैंने आपको कुछ सिर्फ दो सेट बताए हैं, दो सेट इंपॉर्टेंट है। आपने मैंने पिछले वीडियो में पूछा था कि आप मुझे बताइए कि वर्क के बराबर कौन कौन से डायमेंशन आती है, सिर्फ एक बच्चे का कॉमेंट आया। गाइस ये अच्छी बात नहीं है, आप लोगों को कॉमेंट करना चाहिए, वीडियो को लाइक भी करना चाहिए और कॉमेंट भी करना चाहिए। जितना ज्यादा आप रिस्पॉन्ड करेंगे उतना ज्यादा मुझे अच्छा फील होगा और उतना ज्यादा अच्छा मैं आपको पढ़ा पाऊंगा। अब अगला क्वेश्चन जो आता है गाइस वो कन्वर्जन का आता है। सिर्फ एक क्वेश्चन समझाऊंगा कि कन्वर्जन कैसे होता है, और आपको प्रैक्टिस के लिए जो टेस्ट आएगा उसके अंदर एक दो क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको उनका कन्वर्जन मुझे बताना होगा। तो कन्वर्जन की बात करते हैं, कन्वर्जन बदलाव या बदलना, कन्वर्ट करना मतलब एक चीज से दूसरे में बदलना। तो कन्वर्जन क्या करना है गाइस, एक सिस्टम ऑफ यूनिट से, जैसे एमकेएस एक सिस्टम ऑफ यूनिट है, उसे किसमें लेके आओ, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में लेके आओ। एमकेएस एक सिस्टम ऑफ यूनिट है, उसे किसमें बदल दो, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में बदल दो। अब आपके कुछ बच्चों के यहाँ पर डाउट होंगे कि सर हमें और भी डायमेंशन के बारे में पता होना चाहिए, तो गाइस जैसे जैसे सिलेबस बढ़ता चलेगा, हर टॉपिक के अंदर कुछ कुछ डायमेंशन, कुछ कुछ ऐसे क्वांटिटीज बाहर निकल के आएंगे जिनके डायमेंशन हम वहां पर पढ़ते चलेंगे, ठीक है। जैसे वेट होता है, वेट की क्या होता है, वेट की और फोर्स की डायमेंशन बराबर होती है। एक उदाहरण और लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, फोर्स की, वेट की, टेंशन की, इन सब की भी डायमेंशन क्या रहती है, बराबर रहती है। बल की, बार की और टेंशन की, तीनों की, टेंशन वो वाली नहीं जो हमें हाय मुझे टेंशन है ना, तो वो वाली टेंशन नहीं, और पता है लॉकडाउन में कैसे कैसे टेंशन है, घर से बाहर निकल नहीं पाते और बस कैसे जिए तुम्हारे बिना, ये अच्छी चीज नहीं है। तो छोड़िए, एमकेएस और सीजीएस सिस्टम की हम बात करते हैं। तो एमकेएस से सीजीएस में हम कन्वर्जन देखेंगे। तो सबसे पहला कन्वर्जन एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल में हमेशा मुझे अच्छा लगता है, फोर्स का एग्जाम्पल। तो चलो आज गाइस फोर्स को छोड़ देते हैं, आज एनर्जी का एग्जाम्पल है कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्जन क्या है, फिर कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करें। तो एनर्जी की जो एमकेएस इकाई होती है वो होती है गाइस जूल, क्या होती है, जूल होती है, और इसकी जो सीजीएस इकाई होती है वो होती है कार्बन। एनर्जी की जो क्या होती है एमकेएस इकाई होती है वो क्या होती है, जूल होती है, वैसे ही इसकी सीजीएस इकाई क्या होती है, अर्ग होती है। एनर्जी का सूत्र देखो कन्वर्जन में होता क्या, पहले अच्छे से समझेंगे। एन वन यू वन बराबर होता है एन टू यू टू के, एन वन यू वन बराबर होता है एन टू यू टू के। एन वन क्या है, नंबर, एन वन क्या है, नंबर, यू वन क्या है, फर्स्ट यूनिट या फर्स्ट टाइप ऑफ यूनिट, एन टू क्या है, सेकेंड नंबर है, और यू टू क्या है, सेकेंड टाइप ऑफ यूनिट, सेकेंड ऑफ यूनिट लिख लो या सेकेंड टाइप ऑफ यूनिट। मतलब क्या है, ये एनकेएस सिस्टम के हिसाब से यूनिट है यू वन, और सीजीएस सिस्टम के हिसाब से यूनिट है यू टू। एन वन क्या है, नंबर वन है, मतलब जो इस यूनिट की जो मात्रा दे रखी है वो 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 50 है, 100 है, लाख है, कितना भी है,
वो क्या है, N1 है। और जब इसे किस में बदला गया, MKS से CGS में बदला गया, तो वो 10, 50, 100 कितने में बदल गया, ठीक है। मान लो मैं कहता हूं 5 किलोग्राम, समझेंगे, देखो ये N1 है, ये 5 क्या है, N1 है, 1 किलोग्राम क्या है, U1 है, 1 किलोग्राम क्या है, U1 है। वैसे ही इसे N2 U2 में बदला गया, तो जो N2 है, अब U2 को मैंने ग्राम ले लिया, U2 को मैंने क्या ले लिया, ग्राम ले लिया, तो ये क्या है, U2 है, बट N2 बदल जाएगा, 5 किलोग्राम में 5000 ग्राम होते हैं, तो ये क्या है, N2 है। आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ गया होगा सभी को कि N1 क्या होता है, 5, N2 क्या है, U1। तो भाई ये क्या है, पहली मात्रा है, पहली यूनिट है, और ये क्या है, उसका नंबर है, ये दूसरी यूनिट है, ये उसका क्या है, नंबर है, ठीक है, ये पहली का है, ये दूसरी का है। आई होप कि अभी ये फॉर्मूले के अंदर आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आपसे कन्वर्जन दिखाऊंगा कि आपको कन्वर्जन करने कैसे होते हैं, तो चले गए कन्वर्जन हम करते हैं। तो याद रखेंगे जो MKS यूनिट होती है जूल होती है, और CGS यूनिट अर्ग होती है, किसकी, एनर्जी की। गाइस आज शाम तक कोशिश रहेगी, वरना कल सुबह तक आपको टेस्ट मिल जाएगा, उसे लगा लेना, परसों के सेशन के अंदर उस टेस्ट का सॉल्यूशन आपको करवा दिया जाएगा। हम एक एनर्जी का कन्वर्जन कर रहे हैं, किसका, एनर्जी का, किसमें, जूल से किसमें बदल दिया, अर्ग में। मैंने कहा मेरे पास 10 जूल है, मैंने क्या कहा, मेरे पास क्या है, 10 जूल है, उसके अंदर कितने अर्ग होंगे ये बताइए, मेरे पास 10 जूल है तो उसके अंदर कितने अर्ग होंगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो गाइस जूल को, जूल क्या थी, MKS सिस्टम था, क्या था, MKS सिस्टम, पहले डायमेंशन लिखते हैं, 10 गुना में डायमेंशन क्या लिखी, ML² T-2, डायमेंशन क्या लिखी, ML² T-2। एनर्जी की डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए क्या होती है, ML² होती है, T-2 होती है। इस तरफ भी हम क्या लिखेंगे, N2 हमें निकालना है, तो ML² T-2 डायमेंशन इस तरफ भी लिख ली। अब ये मत करना सर ये यहां से यहां काट दिया, कुछ बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, बहुत तेज दिमाग उनका चलता है, बहुत इंटेलिजेंट केस वो होते हैं, तो क्या करते हैं, सीधा कहते हैं सर ML² T-2 से ML² T-2 को उड़ा दो, है ना, घर का काम है, उड़ा दो, ऐसे थोड़ी होगा, क्या करना होगा, ट्राई करेंगे उड़ाने की, सोल्व करने की। तो एम यहां पर क्या है, एम से यहां पर मास को, एम से यहां पर किसको रिप्रेजेंट किया है, मास को रिप्रेजेंट किया है, एम किसके डायमेंशन होती है, मास की, तो एम से एम की यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम, एम की यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम हो जाएगी, तो इसकी घात कितनी, 1। एल, एल की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर, इसकी घात कितनी, 2। पावर, घात को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पावर, कुछ बच्चे कहते हैं सर हिंदी में मत पढ़ाया करो, अरे यार हिंदी वालों को भी सोच लो। अब यहां पर कौन सा सिस्टम था, CGS, देखो गाइस ये कौन सा सिस्टम है, MKS सिस्टम है, ये कौन सा सिस्टम है, CGS सिस्टम है, ठीक है भाई। CGS के अंदर m क्या है, फिर से डायमेंशन के अंदर तो m मास ही रहेगा, बट CGS में मास की जो इकाई होती है वो क्या हो जाती है, ग्राम हो जाती है, और लेंथ की जो इकाई होती है वो सेंटीमीटर में बदल जाती है, और टाइम की इकाई वही रहती है सेकेंड में, यहाँ पर t लिख दिया मैंने, सॉरी, इसको हम किस में बदल देंगे, सेकेंड में बदल देंगे, क्लियर। पावर लगाना मत भूलना। अब देखो गाइस, अब तो नहीं काट सकते ना, पहले तो उड़ा देते, अब उड़ा के दिखा, बराबरी का मुकाबला नहीं है, देखो प्रकृति का नियम है कि लड़ाई क्या होती है, बराबर वालों में होता है। वैसे भी आजकल राइट टू इक्वालिटी का बहुत ज्यादा मुद्दा चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर बराबरी करनी है, तो क्या करना है, दोनों को बराबर करना है, तो बैलेंस कैसे करेंगे, किलोग्राम को किस में बदल दो, ग्राम में, तो 1 किलोग्राम में कितने, 1000 ग्राम, ठीक है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, और सेकेंड का तो कोई बदलना ही नहीं, N2 जो होगा तो यहां पर ग्राम, यहां पर सेंटीमीटर का वर्ग, और यहां पर सेकेंड माइनस 2, यहां पर 10 होगा। 1000 को मैं क्या लिख सकता हूं, 10^3 लिख सकता हूं, वैसे ही सेंटीमीटर को क्या लिख सकता हूं, 10^2 लिख सकता हूं। N2 ग्राम, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकेंड इनवर्स, ठीक है। अगर गाइस मैं चाहूं तो मैं इस ग्राम को इस तरफ ले आऊं, 10^2 को इस तरफ ले आता हूं, चलो इसको चेंज कर लेते हैं, यहां पे लिख लेते हैं 10^2, और यहां पर मैंने क्या लिख दिया, ग्राम, सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर। अब दोनों तरफ क्या है, बराबर है, अब दोनों तरफ क्या है, बराबर है, तो सीधी सी बात है, जो यहां पर ये वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, N2 की, तो
एन टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक मिनट थोड़ी सी गड़बड़ होगी, यहाँ पर 10^4 आएगा, ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा 10^4 आएगा, कैसे आएगा ये आपको बता दूं। देखो गाइस 100 को क्या लिख सकते हैं, 10^2, 100 को क्या लिख सकता हूँ, एक बार इस चीज को मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, 100 सेंटीमीटर स्क्वेयर है मेरे पास, तो गाइस 100 को मैंने क्या लिखा, 10^2 सेंटीमीटर पूरे का वर्ग है, कंप्लीट स्क्वेयर है ना, पूरे का वर्ग है, तो अब कितना हो जाएगा 10^4 सेंटीमीटर स्क्वेयर, तो ये क्यों हुआ ये मैंने आपको बता दिया, तो यहाँ पे कितना आएगा 10^4 आएगा, 4 × 3 = 7 और 1 = 8, तो एन टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10^8, तो मतलब 10 जूल में कितने थे, 10^8 अर्घ थे, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं, तो आप कहेंगे कि सर 10^7 अर्घ होते हैं, कोई कहते 5 जूल में, 50 जूल में, 100 जूल में, बस इसके आगे गुणा करते जाओ और आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो गाइस इस सेशन के अंदर हम क्या करेंगे, मैं आपको कन्वर्जन बता दिया, तो अब मैं आपको बता देता हूँ डायमेंशन के, अगला जो हमारे क्लासेस आएंगे वो डायमेंशन की नहीं आएंगे, एरर और सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग ऑफ, एरर और सिग्निफिकेंट फिगर नेक्स्ट वीक, जो इस वीक के अंदर नेक्स्ट क्लासेस आएंगे उनके अंदर वो कवर अप करेंगे, और फिर डायमेंशन को खत्म करते हैं, फिर न्यूमेरिकल पोर्शन और थ्योरी एडवांस जो है काइनेमेटिक्स वगैरह उस फिजिक्स की तरफ हम बढ़ेंगे। तो डायमेंशन के अंदर अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट कर देना, मैं उस डाउट को आपका नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो गाइस फिर से आपको सभी से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल को बताइए कि फ्री ऑफ कॉस्ट साइंस क्लासेस, फिजिक्स क्लासेस, केमिस्ट्री, बायो सब की क्लासेस होंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए करवाई जा रही है, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जल्दी ही कोशिश करूंगा आज या कल के अंदर आपको, आज या कल नहीं जल्दी ही, इंग्लिश डेली वोकैब का सेशन भी आपके लिए मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। थैंक यू गाइस एंड हैव अ नाइस डे।